हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस सीरीज में। और सबसे पहले मैं गांधी जी के द्वारा जो है इसकी शुरुआत करना चाहता हूँ। गांधी जी के द्वारा किए गए आंदोलन की जो रूपरेखा थी, उन्होंने ये आंदोलन किस लिए किया, किनके आग्रह पे किया और कब कब ये आंदोलन किया गया और कौन सा आंदोलन सफल या असफल रहा, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। बहुत ही ये वीवीआई क्वेश्चंस है, हर एग्जाम में ये जो है आपसे पूछा जाता है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट सेट अप बाय गांधी जी इन साउथ अफ्रीका, यानी कि गांधी जी के द्वारा कौन सी चीज की स्थापना साउथ अफ्रीका में नहीं की गई थी। आपको पता है कि गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका गए थे दादा अब्दुल्ला की मदद करने के लिए। कब गए थे? 1893 ईस्वी में। ठीक है, तो 1893 ईस्वी में जब गांधी जी वहां गए थे तो उन्होंने जो है भारतीयों के लिए जो साउथ अफ्रीका में कुछ चीजों की जो है शुरुआत करी थी। सबसे पहले देखिए, भारतीयों के लिए उन्होंने एक समाचार पत्र की स्थापना की थी जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। यहाँ भारतीय राय आपको दिख रहा होगा, इसे आप इग्नोर करिएगा। इंग्लिश नाम ही आपको याद रखना है क्योंकि इसका कोई हिंदी नाम था नहीं। इंडियन ओपिनियन, यहां से आपको जो है उस न्यूज पेपर की छोटी सी जो है कवर पिक्चर आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, यानी कि गांधी जी ने जो है समाचार पत्र की तो स्थापना कर दी थी, तो ये सही बात है। दूसरा है द नेटल इंडियन कांग्रेस, जी हाँ, इसकी भी उन्होंने जो है स्थापना की थी। तीसरे नंबर पे देखिए फिनिक्स आश्रम, इस आश्रम की भी उन्होंने जो है स्थापना करी थी। देखिए ये तो सही बात है, फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी, लेकिन जो पांचवा ऑप्शन है ना, द इंडियन लीग, इसकी स्थापना गांधी जी के द्वारा नहीं की गई थी। इसके फाउंडर थे रास बिहारी बोस। इंडियन लीग की स्थापना जो है रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। कहां की गई थी और कब की गई थी? देखिए 1942 ईस्वी में कहां पे की गई थी? टोक्यो में की गई थी। और टोक्यो में ही इनको जो है टीबी हो गया था। किनको? रास बिहारी बोस को। और उनकी मृत्यु भी वहीं टोक्यो में हो गई थी। ठीक है, ये तो हो गई क्लियर बातें सारे, यानी कि फिनिक्स आश्रम जो है गांधी जी के द्वारा शुरुआत की गई थी। तो नहीं आपसे पूछा गया। देखिए ये जो नॉट वाला सेंटेंस है ना, इसको ध्यान से पढ़ना है, हिंदी में नहीं आपको पढ़ लेना है। तो देखिए नहीं से पता चल गया कि ऑप्शन डी आपका क्या है, सही नहीं है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर टू, आपसे पूछा गया है उस मैगजीन का नाम बताना है जो गांधी जी के द्वारा जो है पब्लिश किया गया साउथ अफ्रीका में रहने के दौरान। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इंडियन ओपिनियन जो है गांधी जी के द्वारा जो है इसको पब्लिश किया गया था। मैंने अभी आपको समझाया, इंडियन ओपिनियन को जो है गांधी जी ने शुरुआत करी थी। इससे सवाल ये भी एक पूछा जा सकता है कि इसके संपादक कौन थे, एडिटोरियल जो है यानी कि एडिटर कौन थे। तो देखिए संपादक का नाम जो है वो मैं आपको लिखकर दिखा देता हूं। देखिए इनका नाम था मनसुख नजर, याद रखिएगा। ये जो है गुजरात से थे, याद रखना इस बात को। मनसुख नजर जो है वो भी कहां से थे? गुजरात से थे और गांधी जी के सहयोगी थे। ये कहां पहुंचे थे? गांधी जी की मदद करने के लिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर टू का सही जवाब हो जाएगा इंडियन ओपिनियन, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिनिक्स फॉर्म कहां है? तो देखिए गांधी जी ने जो है फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी और इंडियन ओपिनियन की भी स्थापना की थी। तो देखिए ये जो है आपको मिलेगा डरबन में। कहां मिलेगा? डरबन, साउथ अफ्रीका में। और ये जो है गांधी जी का जो है ये सर्वोदय का आइडिया जो है, को एक्सपेरिमेंट करने का, ये सब आइडिया जो है इनको यहीं से मिला था। ठीक है, डरबन में। तो ये जो आश्रम है यहाँ पे ये क्या करते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे अपने आइडियाज को कि कैसे जो है उनको सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा नहीं करनी चाहिए, अपने ऊपर कंट्रोल कैसे करें, उपवास कैसे करें, झूठ नहीं बोलना है, इन सब चीजों को लेकर। शराब के प्रति, देखिए इस आश्रम है ना, शराब के प्रति जो है वो जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं उसके ऊपर यहाँ पे बात की गई थी। शराब जो है, शराब के खिलाफ कैसे जो है जागरूक किया जाए महिलाओं को कि पुरुषों को शराब नहीं पीना चाहिए, और जो भी समाज में भेदभाव हो रहा है उन चीजों को खत्म करने के लिए फिनिक्स आश्रम की शुरुआत की गई थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। गांधी जी किसके समर्थक थे, वीवीआई क्वेश्चन। और देखिए ये क्वेश्चन का आंसर ना आपको बहुत कम जगहों पर इसका सही जवाब मिलेगा। देखिए इसका सही जवाब क्या है, क्वेश्चन नंबर फोर का सही जवाब है देखिए डी। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है, देखिए एक और बात में इसका तो डी आंसर है, ये इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक्चुअली यहाँ पे एक छोटी सी बात जो है छूट गई थी। देखिए डरबन में रहते हुए उन्होंने जो है एक बात कही थी जो कि सेंटेंस आपसे पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, देखिए इसका ये जो है इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी जिसका जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया था उसका नाम क्या है, उसका उसकी वक्तव्य क्या है वो देख लीजिए। रिफ्यूज टू बिलीव, याद रखिएगा, रिफ्यूज टू बिलीव दैट यू आर वीक, दैट You are weak, ठीक है, You are weak,
उसके बाद देखो इन्होंने कहा कि एंड यू विल स्ट्रॉन्ग, यानी कि आप जिस दिन जो है मना कर देते हो कि आप कमजोर हो उसी दिन आप जो है मजबूत बन जाते हो, सीधी सीधी बात इन्होंने कही थी इसी आश्रम में रहने के दौरान। तो ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में इसके बारे में सवाल पूछा जा चुका है कि ये स्टेटमेंट जो है किसकी है। तो गांधी जी ने कहा था कि जिस दिन जो है आप बिलीव कर लेते हो या रिफ्यूज कर देते हो बिलीव करना कि आप कमजोर हो उसी दिन आप स्ट्रांग बन जाते हो, ठीक है। और अब देखिए इसके बारे में बात कर रहे थे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी किसका सपोर्ट करते थे। तो देखिए आपको हर जगह पे मिलेगा कि हाँ वो सच बोलने के लिए यानी कि सत्य की ओर बात करते थे, अहिंसा यानी कि नॉन वायलेशन की बात करते थे, तो ठीक है वो आंदोलन करने की बात करते थे, अपने जो है वो उपवास वगैरह करते थे, तो लेकिन उनका जो बिलीव था ना, देखिए ये जो था फिलोसफिकल जो एनार्किज्म है उसके बारे में ये बात करते थे। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो है ये बात करते थे कि सोसाइटी को ना किसी रूलर की जरूरत नहीं है, सोसाइटी जो है अपना विकास अपना जो नियम कायदा है वो खुद से तैयार कर सकता है, किसी रूलर को यहाँ पे या किसी गवर्नमेंट को रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको ये पता है ये राम राज्य की बात करते थे जो कि पॉसिबल नहीं है, अभी के टाइम में तो बिल्कुल ही असंभव है। डी का सही जवाब हो जाएगा 4 का डी, लेकिन क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो मैंने आपको आंसर बता दिया कि रूलर की जरूरत नहीं होती है, वो गांधी जी के मन में ऐसी आइडिया थी। द ट्विन प्रिंसिपल ऑफ महात्मा गांधी राम राज्य वर, यानी कि गांधी जी के जो राम राज्य के सिद्धांत थे वो क्या था। तो देखिए ये बड़ा ही आसान सा सवाल है, सभी को पता है इनका कहना था सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चलना है, इसी का मतलब है राम राज्य, यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह की गांधीवादी रणनीति का अंतिम चरण था। देखिए लास्ट चरण जो है वो गांधी जी के जो सत्याग्रह होते थे इसके बारे में उसका आखिरी चरण क्या होता था। तो देखिए स्ट्राइक हड़ताल करने की बात जो है सबसे पहले आखिरी में आती थी, तो देखिए ये पहले फास्ट करते थे, धरना प्रदर्शन करते थे, उसके बाद फाइनली जो है वो स्ट्राइक कर देते थे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, गांधीवादी सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, नॉट ट्रू की बात की जा रही है, ठीक है। तो देखिए जब भी गांधी जी ने ना किसी को अच्छा करने को कहा है, किसी के बारे में द्वेष घृणा फैलाने की बात नहीं कही गई है, ठीक है, गांधी जी के द्वारा यह बात कही गई थी, तो इसका सही जवाब देखो ऑप्शन नंबर ए, वो ए जो है वो हो जाएगा। सत्याग्रह का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं है, देखिए इनका कहने का था जो आइडिया है इंसान के अंदर का जो बुरा आइडियाज है उसको खत्म करना, इंसान को खत्म करने की बात गांधी जी नहीं करते थे। अगर कोई मिसकॉन्सेप्शन है, देखिए आज भी हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें सजा दिया जाता है लोगों को, तो हम लोग व्यक्ति को सजा नहीं देते, उसके आइडिया को सजा देते हैं कि तुम जाकर अंदर जो है सुधर कर वापस आओ सोसाइटी में रहने के लिए। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, इन विच ईयर गांधी जी रिटर्न टू फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो देखिए साउथ अफ्रीका से वो वापस जो है 2015 में आ गए हैं, एनसीईआरटी की क्लास 10 की बुक में आपको इसका जवाब मिल जाएगा, ठीक है। तो नई बात क्या है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, गांधी जी जो ना एक बार और वापस आए थे साउथ अफ्रीका से, और आपको पता है कि वो 21 साल तक रहे थे, लेकिन वो एक बार बीच में वापस आए थे, लेकिन कुछ ही समय यहां पे वो रहे और कांग्रेस के जो मीटिंग वगैरह थी उसमें उन्होंने पार्टिसिपेशन किया था और फिर वापस चले गए थे। खैर आगे उसके बारे में एक जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है मैंने वो रखा हुआ है, उसमें हम लोग जो है डिटेल्स में समझेंगे। फिलहाल 1915 में ये वापस आए थे और सबसे पहले इन्होंने जो है चंपारण सत्याग्रह किया था, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल क्या है, हाउ मेनी इयर्स गांधी जी साउथ अफ्रीका में कितने दिन तक रहे थे। तो देखिए 21 साल तक वो रहे थे, मैंने आपको क्या बताया कि गांधी जी जो है वहां पे 1893 में गए थे और वापस 1915 में आए थे, तो 1915 में अगर आप इसको माइनस करोगे तो जो है लगभग देखो आप यहाँ पे जो है एक्चुअली जो है कुछ महीने का जो है अलग फर्क है, लेकिन अगर देखो एक्चुअली जो 1893 में ये गए थे तो 2-4 महीने 5 महीने बाद वो गए थे, और 1915 में कुछ पहले महीने जो शुरुआत के महीने हैं उसी समय वापस आ गए थे, तो कंप्लीटली जो है 21 ईयर्स तक वो वहां पे रहे थे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, साउथ अफ्रीका के निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिए इसका सही जवाब तो देखिए पीटर्सबर्ग है, लेकिन इसकी थोड़ी सी कहानी आपको समझ लेनी चाहिए। देखिए गांधी जी के पास टिकट था, किसका टिकट था, फर्स्ट क्लास में बैठने का टिकट इन्होंने कटा लिया था। अब ये फर्स्ट क्लास में जाके बैठ गए तो वहां पे जो गोरे लोग थे उन्होंने जो व्हाइट स्किन कलर के थे उन्होंने कहा कि तुम काले लोग यहाँ पे कैसे बैठ सकते हो। गांधी जी को जो है फर्स्ट क्लास से भागने की उनको उतरने के लिए कहा गया,
लेकिन गांधी जी नहीं उतरे। तो फिर एक जो ऑफिसर है उसको बुलाया गया और पूछा गया कि ये काला आदमी इसमें कैसे बैठा है। देखिए उस समय जो है काले लोगों को जो है कूली बोला जाता था, याद रखिएगा इस बात को, उनको जो है कूली बोला जाता था। तो कहा गया कि ये कूली यहां पे क्यों बैठा है, इसे बाहर फेंक दो। और ऑफिसर ने फिर इनको कहा कि आप बाहर चले जाओ, लेकिन गांधी जी रेडी नहीं हुए। तो फिर इनको जो है इनके सामान को, लगेज को बाहर फेंका गया और फिर इनको जो है बाहर फेंक दिया गया। और ये घटना जो है पिट्सबर्ग में हुई थी, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज द फर्स्ट टाइम अटेंडेड बाय द एमके गांधी। मैंने क्या कहा था, गांधी जी वापस आए थे और 21 साल वहां पे रहे थे, लेकिन वो जो है वापस कब आए थे, कलकत्ता सीजन में। यहां से देखो कलकत्ता सेशन 1991 में वो जो है पार्टिसिपेशन के लिए कुछ समय के लिए वापस आए थे, लेकिन फिर से जो है वो साउथ अफ्रीका के लिए चले गए, ठीक है। और फिर वो जो है बाद में 1902 से लेकर के 1915 तक वो वहीं पे रहे थे, 1915 तक फिर वो वहां पे रहे थे, फिर कभी भी साउथ अफ्रीका से इंडिया वो नहीं आए थे। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था, तो देखिए इनके राजनीतिक गुरु का नाम था जीके गोखले, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो महाराष्ट्र के थे, वो राजनीति जो है उन्होंने गांधी जी को सिखाई है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग हैड टोल्ड डिस्ट्रक्शन इज द बेस्ट मेथड ऑफ अ डीलिंग विद द फॉरेन क्लोथ, यानी कि किसने कहा था कि विदेशी कपड़ों से निपटने के लिए सबसे अच्छा तरीका विनाश है, यानी कि कपड़ों को जला देना है। तो देखिए गांधी जी ने ये बातें कही थी, और अब ऑब्वियसली गांधी जी के बारे में हम लोग बात करें तो आपको तो थोड़ा आइडिया लग ही जाएगा कि ये आंसर बी होगा, लेकिन जब एग्जाम में आपसे जो है सभी के बारे में पूछा जाएगा तो ऐसे में ये कपड़े वाली जो स्टेटमेंट है ये भी आपको जो है याद रखना होगा, लर्न करना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, यानी कि घटना का जो सही क्रम है, कालानुक्रम है, यानी कि कब एक के बाद एक घटना हुई है उसे आपको अरेंज करना है। तो मैंने आपको क्या बताया, 1915 में गांधी जी वापस लौटे, कहां से, साउथ अफ्रीका से ये जो है वापस लौट गए, कहां पे, इंडिया में ये वापस आ गए, ठीक है, अच्छी बात है। अब देखिए 1915 में वापस आने के बाद इन्होंने जो है 1917 में, देखिए अब बोलोगे ये दो साल कहां गए थे, तो देखिए दो साल इंडिया को इन्होंने जाना, अलग अलग जगह इंडिया के अलग अलग सिचुएशन में ये गए, वहां पे देखा, इंडिया को समझा परखा, एक्चुअली ये बहुत दिनों तक बाहर में रहे थे। और देखिए ये इसको याद रखने का तरीका है केक, CAKE, सी से क्या हो गया, देखिए सी से हो गया चंपारण, सबसे पहले उन्होंने चंपारण आंदोलन किया, और फिर ए से क्या हो गया अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो हुई थी उसके बारे में, और के से खेड़ा आंदोलन जो उन्होंने किया था, ठीक है। एक एक करके सभी चीजों को हम लोग देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले चंपारण हुआ था, चंपारण में जो है किसानों को नील की खेती करने के लिए जो है मजबूर किया जा रहा था, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग, इंडिगो की खेती करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। तो फिलहाल इसका जो सही जवाब है, देखिए कालानुक्रम जो इसका होगा वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले वो चंपारण सत्याग्रह उन्होंने किया था, फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, फिर खेड़ा, और बाद में नन कॉपरेशन मूवमेंट किया था, यानी कि 1 फिर 2 फिर 3 और फिर सबसे लास्ट में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि सॉरी असहयोग आंदोलन इन्होंने किया था। तो देखिए ये कालानुक्रम आपको ऑप्शन नंबर बी में मिलेगा, 1, 2, 3, 4, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन यहां से ये पूछा गया है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझा देता हूं अहमदाबाद का जो मिल वाला जो इशू था वो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए मैंने चंपारण वाला आपको बता दिया कि नील की खेती करने के लिए इन लोगों को बाध्य किया जा रहा था, ठीक है, अच्छी बात है, एक्चुअली अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन अहमदाबाद जो मिल स्ट्राइक था ये किसी इंडियन के खिलाफ ही गांधी जी ने जो है मतलब धरना प्रदर्शन किया था, आंदोलन किया था। तो देखिए इंडियन के जो मिल वर्कर थे, ऑनर थे, वो उनका कहना था कि हम लोग जो है वर्कर के पैसे को नहीं बढ़ाएंगे, सभी वर्कर जो है 50% की डिमांड कर रहे थे, लेकिन ऑनर का कहना था कि हम जो है 20% ही आप लोगों को सैलरी में हाइक करेंगे, आई मीन पैसा आपको बढ़ा कर देंगे। अब देखिए आपको लग रहा होगा कि ये 20% 50% लोग जो है तुरंत पैसे क्यों मांग रहे थे, तो देखिए इंडिया में जो है प्लेग फैल गया था और प्लेग बोनस जो है इन लोगों को नहीं मिला था,
और एक और रीजन था इसका कि वर्ल्ड वॉर के कारण, वर्ल्ड वॉर जो है उसके कारण जो है महंगाई बहुत आसमान में छू गई थी, महंगाई बहुत बढ़ गई थी, तो ऐसे में सैलरी बढ़ने की बात तो होनी ही चाहिए थी। तो खैर ये बात नहीं मान रहे थे ऑनर सब। फिर गांधी जी जो है इसमें बीच में पड़े और उसके बाद उन्होंने जो है बीच का रास्ता निकाला और फाइनली 35% पे मजदूर रेडी हो गए और जो है मिल के मालिक भी रेडी हो गए कि चलो 35% का बोनस आप सभी को मिल जाएगा। और उन्होंने जो है फाइनली ऑनर को यानी कि मिल मालिकों को मना लिया था। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह के बारे में अगर मैं बात करूं तो खेड़ा सत्याग्रह में जो है देखिए एक्चुअली हुआ क्या था कि फेल्योर हो गया था। किसका फेल्योर? ऑफ अ क्रॉप्स, यानी कि जो फसल है वो जो है बर्बाद हो गया था फसल। और इस वजह से किसान चाहते थे कि उनसे जो है रेवेन्यू यानी कि टैक्सेस नहीं लिया जाए, लेकिन अंग्रेज जो है वो रेडी नहीं हो रहे थे, इसलिए गांधी जी को बीच में जो है इसमें आना पड़ा। उसके बाद जो है ये चीजें हुई थी, उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए आपसे पूछा गया है गांधी जी कौन से बुक से जो है सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। एक्चुअली देखिए कुछ कुछ बातें हैं वो खैर बताऊंगा मैं। यहां से आपसे पूछ लिया गया गांधी जी वाज ट्रू, गांधी जी के बारे में जो बातें कही गई थी वो कौन सी बात सही है। तो देखिए उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है राजकोट में हुई थी, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात, 13 साल की उम्र में उनकी शादी कस्तूरबा गांधी से हो गई थी, ये भी सही है। और उन्होंने लॉ वगैरह की पढ़ाई लंदन से की थी, देखिए ये भी बात जो है आपको सही मिलेगी। अब आखिरी की ओर बढ़ते हैं, देखिए अनटू द लास्ट इसी बुक के कारण, देखिए ये भी बात सही है। अब देखिए अनटू द लास्ट के बारे में बता दूं, ये रस्किन बॉन्ड की बुक है और इस बुक के कारण जो है उनको जो है रस्किन बॉन्ड के बुक के कारण जो है सर्वोदय आंदोलन का आइडिया आया था। सर्वोदय आंदोलन का आइडिया जो है आपको यहां पे देखने को मिलेगा। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। तो ये सारी चीजें गांधी जी के लाइफ में हुई थी, यानी कि चारों आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा, या फिर पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था? तो देखिए सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया था। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। गांधी जी के नाम के साथ उपसर्ग यानी कि पहले महात्मा किसने जोड़ दिया था? देखिए महात्मा का मतलब क्या होता है? ग्रेट सोल होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? ग्रेट सोल यानी कि महान व्यक्ति या महान आत्मा। तो ये बात किसने जोड़ी थी? तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये जो है इसकी जो है इसकी जो उपाधि है वो कब दी गई थी? तो देखिए चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है इनको महात्मा की उपाधि दे दी गई थी गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। अब देखिए मैंने अभी नाम में गुरु लगाया, एक्चुअली गुरु का जो उपाधि है ना रविंद्रनाथ टैगोर को, वो महात्मा गांधी ने दिया था। महात्मा गांधी ने किसको जो है गुरु की उपाधि दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर को दिया था। और रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को कौन सी उपाधि दी थी? महात्मा की उपाधि दी थी। तो ये आपको याद रखना है, महात्मा की उपाधि और यहाँ पे गुरु की उपाधि, आप इसे ऐसे भी डायग्राम बनाकर याद कर सकते हो। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हु एड्रेस्ड गांधी जी एज अ वन मैन बाउंड्री फोर्स, जो है वन मैन बाउंड्री फोर्स के रूप में जो है किसने संबोधित किया था, उस व्यक्ति का नाम क्या है? तो देखिए लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा जो है इनको ये बात संबोधित की गई थी। ऑप्शन सी इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कहता था गलत का मतलब हमें कभी भी सही छोर तक नहीं ले जा सकता, यानी कि रॉन्ग मीन्स नेवर टेक अस टू राइट इंड्स, यानी कि गलत चीजें अगर करते रहोगे तो सही आपके साथ कभी नहीं होगा। ये बातें किसने कही थी? एम के गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद्र गांधी ने कही थी। ठीक है, आखिरी सवाल एक्चुअली और सवाल है। निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह शुरू किया गया था? अहमदाबाद की शुरुआत क्यों की गई थी आपको पता ही है। देखिए अहमदाबाद सत्याग्रह लॉन्च करने के बारे में जो है बातें वो मैं आपको बता देता हूं। कॉटन मिल वर्कर, आपको पता ही कि उन लोगों को जो है सैलरी में हाइक नहीं मिला था और फाइनली जो है जो ये किसान थे वो 50% मांग रहे थे वर्कर, कॉटन मिल के वर्कर, और ऑनर जो है 20% देना चाह रहा था और फाइनली जो है 35% पे दोनों एग्री कर गए थे। तो ये काम किसने कराया था? गांधी जी ने कराया था। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चंपारण में तीन कठिया प्रणाली का क्या अर्थ था? तो देखिए कल्टीवेशन यानी कि आपकी जितनी जमीन है 20% जो 3/2 है ना उसमें आपको नील की खेती करनी होगी। देखिए अब नील की खेती करने, इंडिगो की खेती करने में किसान क्यों हिचक रहे थे? इसका सीधा सीधा रीजन है कि जो आर्टिफिशियल जो इंडिगो है वो तैयार हो चुका था जर्मनी में, और भारतीय किसान का कहना था कि जब इसका आर्टिफिशियल जो है इंडिगो तैयार हो चुका है ऐसे में प्राकृतिक रूप से उसे उगाना जो है थोड़ा महंगा पड़ेगा और
इससे फायदा होगा नहीं, जर्मनी में यह पहले हो चुका है। लेकिन आपको पता है जर्मनी और ब्रिटेन के बीच वॉर हो रहा था और दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, इस वजह से नील की खेती जो है करने की बात की जा रही थी, कहां पे? चंपारण में। उसके बाद गांधी जी जो है यहां पे आए और उन्होंने जो है बातें यहां पे करी है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 22। अब आपको बताना है कि निम्नलिखित कथनों पे जो है आपको विचार करना है, ठीक है, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसके बारे में आपको सोचना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को किसानों की समस्या के लिए जांच के लिए चंपारण आने को कहा, राजी किया था? नहीं, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए राजकुमार शुक्ल ने इनको चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया था, किसानों की समस्या के बारे में बताया था। तो फिलहाल पहला आंसर तो इनकरेक्ट है। आचार्य जेबी कृपलानी ने अपनी चंपारण जांच में गांधी जी के सहयोगियों में से एक थे, बिल्कुल सही बात है। देखिए यहां पे जब ये आए हुए थे तो राजेंद्र प्रसाद भी जुड़े हुए थे इनसे और साथ में जेबी कृपलानी भी जुड़े हुए थे, तो ये बात सही है। लेकिन राजेंद्र प्रसाद ने इनको बुलाया नहीं था, तो फिलहाल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली टू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखो क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी ने सबसे पहले भारत में अपना सत्याग्रह शुरू किया था? तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, केक से याद रखना है आपको, सी ए के, ठीक है, सी से जो है चंपारण हो गया, ए से आपका अहमदाबाद मिल यानी कि जो कॉटन मिल वर्कर की समस्या थी, और के फोर खेड़ा आंदोलन भी किया गया था गांधी जी के द्वारा। तो इसका सबसे आंसर करेक्ट क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, चंपारण आंदोलन जो है गांधी जी के द्वारा, जो शुक्ल हैं राजकुमार शुक्ल हैं उनके आग्रह पे गांधी जी यहां पे आए हुए थे। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस नील की खेती के सिलसिले में महात्मा गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किया गया था? अभी तो मैंने आपको बताया राजकुमार शुक्ल के द्वारा जो है, शुक्ला यहाँ पे लिखा हुआ है, शुक्ल या शुक्ला एक ही बात हो गई, उनके द्वारा जो है इनको यहाँ पे आमंत्रित किया गया था। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से चंपारण सत्याग्रह के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? नेगेटिव टर्म को आपको चुनना है। यह किसान से जुड़ा हुआ था, बिल्कुल बात है, किसान नील की खेती करने के बारे में बात कर रहे थे, उसी के बारे में ही जुड़ा हुआ है। इसे तीन कठिया प्रणाली के खिलाफ लॉन्च किया गया था, बिल्कुल सही बात है। राजेंद्र प्रसाद और जो जेबी कृपलानी है गांधी जी के सदस्य थे, जो उनके जो है कॉपरेटिव थे, बिल्कुल सही बात है। आखिरी, यह एमके के द्वारा शुरू किया गया पहला आंदोलन था, बिल्कुल ये भी बात सही है, गांधी जी के द्वारा ये लॉन्च किया गया पहला मूवमेंट था। तो चारों ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, तो चारों का आंसर चारों जो है सही हो जाएगा। अगर ऑप्शन में आपको 1, 2, 3, 4 या फिर ए बी सी डी दे तो आपको जो है चारों के साथ जाना होगा, सभी आंसर सही है। आखिरी क्वेश्चन, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि वीडियो किन किन लोगों ने देखी, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग नीचे बताइएगा। अब आपको बताना है कि गांधी जी की मृत्यु पे, ऑन द डेथ ऑफ द महात्मा गांधी, हु सेड, किसने कहा था, द लाइट हैज गॉन आउट ऑफ आर लाइफ, यानी कि हमारे जीवन से रोशनी ही चली गई। ये बात जवाहरलाल नेहरू ने कही या फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, राजेंद्र प्रसाद ने या लॉर्ड माउंट बैटन ने कही थी, चारों में से किसने ये बात कही थी नीचे कमेंट करके बताइएगा। और नहीं मिले तो गूगल करके इसका आंसर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। वीडियो आपने यहां तक देख ली है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में करंट अफेयर्स की वीडियो जो है आ चुकी है, और जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के ऊपर क्वेश्चंस है वो भी आ चुके हैं, उसे आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। वीडियो यहां तक देख ली है तो एक बार जय हिंद नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, थैंक यू सो मच।